पिगमेंट्स के बारे में पढ़ने के बाद, हम क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर कैसा है। क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जिसको बोलते हैं पोरफायरिन हेड, और ये है फाइटोल टैल। इसको क्या बोलेंगे? पोरफायरिन हेड बोलेंगे और ये फाइटोल टैल, पोरफायरिन हेड एंड फाइटोल टैल। पोरफायरिन हेड में टेट्रा पायरोल रिंग, चार पायरोल रिंग प्रेजेंट होती हैं पोरफायरिन हेड में, और उनके सेंटर में होता है मैग्नीशियम मॉलिक्यूल। ये मैग्नीशियम मॉलिक्यूल है ये सेंटर में, और चारों टेट्रा पायरोल रिंग हैं, चार पायरोल रिंग हैं। इनसे मिलकर मैग्नीशियम चार पायरोल रिंग से मिलके पोरफायरिन हेड बनता है, और उसके बाद जो एक टैल है उसको बोलते हैं फाइटोल टैल। ये स्ट्रक्चर हुई। अब इसके बाद देखेंगे कि हम क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है। क्लोरोफिल ए का फार्मूला है C55H72O5N4Mg, Mg मैग्नीशियम, और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है C55H70O6N4Mg। यहाँ पर क्या होता है कि क्लोरोफिल ए में तीन नंबर कार्बन पे यहाँ पर CH3 मॉलिक्यूल होता है थ्री नंबर कार्बन में, और क्लोरोफिल बी में यहाँ पर CHO होता है। तो अगर कहें तो क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए का एल्डिहाइड डेरिवेटिव है। क्लोरोफिल ए में CH3 होता है और क्लोरोफिल बी में CHO होता है, बाकी स्ट्रक्चर मोस्टली सेम होती है। ये बात हुई स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा अगर हम अवशोषण की बात करें कि क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन, जो विजिबल लाइट, हम सिर्फ विजिबल लाइट की बात करेंगे, और जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उसमें सिर्फ अवशोषण सिर्फ विजिबल लाइट का होता है, तो क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन करता है 450 नैनोमीटर, जिसको मैं को बोलते हैं ब्लू लाइट में आता है, एंड 700 जो रेड लाइट में आता है। 450 एंड 700 नैनोमीटर की जो लाइट है वो भी विजिबल लाइट में, 450 ब्लू लाइट होती है, 700 के रेड लाइट होती है। इस अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट दें तो इस लाइट में मैक्सिमम अवशोषण होता है, क्लोरोफिल ए अवशोषण करता है। इसके अलावा क्लोरोफिल बी 480 जो ब्लू ग्रीन लाइट है 480 में इनका मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन होता है। इसके अलावा जो कैरोटीनॉइड होते हैं वो 460 नैनोमीटर पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन करते हैं। तो ये विजिबल लाइट में अलग अलग टाइप का अवशोषण हुआ। क्लोरोफिल ए के बारे में बहुत बार पूछा गया कि मैक्सिमम अवशोषण कौन सी मोनोक्रोमेटिक लाइट का करते हैं, तो 450 एंड 700 नैनोमीटर वाली लाइट। इसके बाद हम देखेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। एमर्सन ने बताया था कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड पीएस सेकंड हो गए। एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट का जब डिस्कवर किया, रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस के रेट को देखा, फार रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट देखा, दोनों को एक साथ जब लाइट दिया तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों के योग से ज़्यादा थी, तो तब आधार पर उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ फोटो सिस्टम अलग अलग होंगे, कुछ फोटो सिस्टम का अवशोषण अलग अलग होता है, तभी तो पी एस फर्स्ट एंड पी एस सेकेंड का डिस्कवर एमर्सन ने बताया। पी एस फर्स्ट क्या है? मोलिकुलर ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व इन दिस सिस्टम। पी एस फर्स्ट जिसका रिएक्शन सेंटर होता है P700 रिएक्शन सेंटर होता है, और पी एस फर्स्ट कभी भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या ऑक्सीजन जो रिलीज होती है उसमें पी एस फर्स्ट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, और पी एस फर्स्ट प्रजेंट होता है जो एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना, ग्रेना का जो एप्रेस्ड पार्ट होता है, जो मैट्रिक्स की तरफ वाला पार्ट होता है, जैसे ये वाला पार्ट है यहाँ पे, जो मैट्रिक्स की तरफ वाला पार्ट होता है यहाँ पे पी एस फर्स्ट प्रेजेंट होता है एप्रेस्ड वाले पार्ट में। इनका रिएक्शन सेंटर P700 होता है। P700 इसलिए होता है कि क्लोरोफिल ए पी एस फर्स्ट हो चाहे पी एस सेकेंड हो, सबका रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए ही होगा। मैक्सिमम
एब्जॉर्प्शन 700 नैनोमीटर लाइट का करता है, इसलिए इसका रिएक्शन सेंटर P700 है। फोटोसिस्टम फर्स्ट साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों पाथवे में पार्टिसिपेट करता है, साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक। दिस सिस्टम प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट विथ NADP टू NADPH2। PS फर्स्ट में कैपेसिटी होती है NADP रिडक्टेज की, और ये NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करता है, और ये NADPH2 एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो CO2 का रिडक्शन में जो डार्क रिएक्शन में इनका यूज होगा। तो PS फर्स्ट की ये कैपेसिटी होती है NADH रिडक्टेज की जो NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करता है। फोटोसिस्टम सेकेंड PS सेकेंड इन्वॉल्व ओनली इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सिर्फ जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है सिर्फ उसमें PS सेकेंड पार्टिसिपेट करता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS सेकेंड का कोई रोल नहीं होता। दिस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इन्वॉल्व द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कौन सा फोटोसिस्टम ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट में यूज होता है, कौन सा फोटोसिस्टम NADP रिडक्टेज कैपेसिटी का होता है। PS सेकेंड हमेशा ऑक्सीजन रिलीज करता है और NADP रिडक्टेज कैपेसिटी सिर्फ PS फर्स्ट में प्रेजेंट होती है। PS सेकेंड लोकेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड इन द स्ट्रोमा एंड नॉन एप्रेस्ड रेजिन ऑफ ग्रेना। जो इनर जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, यहाँ पर PS सेकेंड प्रेजेंट होता है, नॉन एप्रेस्ड पार्ट में PS सेकेंड प्रेजेंट होता है। PS सेकेंड का रिएक्शन सेंटर P680 होता है क्योंकि ये मैक्सिमम एब्जॉर्व करता है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट का मैक्सिमम अब्जॉर्व करता है। तो ये हुआ PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। PS फर्स्ट हो PS सेकेंड हो, ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं जिनका रिएक्शन सेंटर अलग अलग है। होता क्लोरोफिल ए है, फर्स्ट में P700 है, सेकेंड में P680 है। ये उनका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के आधार पर दोनों को अलग अलग P700 P680 अलग अलग बताया है। और PS फर्स्ट में NADH रिडक्टेज कैपेसिटी होती है और PS सेकेंड में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन को रिलीज करने में इसका योगदान होता है। ये PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड। इसके बाद हम देखेंगे क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड क्वांटम यील्ड। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है? क्वांटम रिक्वायरमेंट द नंबर ऑफ फोटोन, लाइट एनर्जी को हम यूज करते हैं तो लाइट एनर्जी एज ए फोटोन के रूप में प्लांट की लीफ के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। तो द नंबर ऑफ फोटोन्स और क्वांटा रिक्वायर्ड बाय ए प्लांट और लीफ टू रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान रिलीज करने में जितने फोटोन्स या क्वांटा की रिक्वायरमेंट होती है उनको बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। और इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द केस ऑफ क्वांटम रिक्वायरमेंट इज 8। इसका मतलब 8 लाइट फोटोन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए टोटल 8 फोटोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब इसको बोल क्वांटम रिक्वायरमेंट कितना हुआ, 8 फोटोन। और इसके बाद है क्वांटम यील्ड, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवोल्व बाय वन क्वांटा ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड। हैंस द क्वांटिटी ऑफ क्वांटम यील्ड इज 12.5%। इसका मतलब हुआ कि एक फोटोन एब्जॉर्ब करने से CO2 का कितना पार्ट रिलीज होता है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवोल्व बाई वन क्वांटम ऑफ लाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक मॉलिक्यूल को रिलीज करने में हमें 8 फोटोन चाहिए ऑक्सीजन का, तो क्वांटम रिक्वायरमेंट तो 8 हुई और क्वांटम यील्ड क्या हुआ, 1/8।
क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के रिलीज में हमें 8 फोटोन चाहिए, 8 फोटोन चाहिए। और क्वांटम यील्ड क्या है कि एक फोटोन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना पार्ट रिलीज होता है, तो 1/8 दैट इज 0.128 या 12.5%। तो क्वांटम यील्ड एंड क्वांटम रिक्वायरमेंट। इसके बाद हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। लीफ में जो डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जो विजिबल लाइट का कौन से पार्ट को कितना एब्जॉर्ब करते हैं वो स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और किसी लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना होता है, कौन सी लाइट में कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, उसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट में होता है। यहाँ पर क्या है, ब्लू लाइट है, क्लोरोफिल ए 450 नैनोमीटर मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल बी 480। इनके अलावा रेड लाइट में भी एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट के बाद होता है। ये है अवशोषण स्पेक्ट्रम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट में और उसके बाद रेड लाइट में। ग्रीन लाइट का प्लांट एब्जॉर्प्शन नहीं करते, तो ग्रीन लाइट का प्लांट किसी भी तरह से कोई अवशोषण नहीं करते। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो अवशोषण की बात करें तो अवशोषण या तो ब्लू लाइट का होता है या रेड लाइट का। क्लोरोफिल ए का ये 450 एंड 700 के आसपास, क्लोरोफिल बी का 480 के आसपास, ये इनका पीक पॉइंट है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का। अब हम बात करें एक्शन स्पेक्ट्रम की, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसी भी लाइट में कितना है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम उसको बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। तो मैक्सिमम अगर देखें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमेशा रेड लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ब्लू लाइट में ज़्यादा होती है। इसके अलावा ग्रीन लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं होता, एक्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पे मिनिमम होता है। तो ग्रीन लाइट में मैक्सिमम रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। अगर आपको ये पूछे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम कौन सी लाइट में होते हैं, तो आप बताओगे ब्लू लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और एक्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम रेड लाइट में। इसके बाद हम देखेंगे एमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है कि द क्वांटम यील्ड मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप्स ड्रामेटिकली इन द फार रेड रीजन ऑफ क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर, दिस इज नोन इज रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड रीजन के बाद जो फार रेड रीजन एरिया है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें ड्रामेटिकली डिक्रीज होता है, इसको बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। द रेड ड्रॉप इफेक्ट इंडिकेट दैट फार रेड लाइट अलोन इज इनएफिशिएंट इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, रेड लाइट के जस्ट बाद 680 के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में ड्रामेटिकली जो डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं कि रेड ड्रॉप इफेक्ट हुआ। रेड लाइट के जस्ट बाद फार रेड एरिया में फोटोसिंथेसिस की रेट एकदम कम हो गई और इसको बोलेंगे रेड ड्रॉप इफेक्ट। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये रेड 680 या 700 तक, 700 के बाद अगर हम फोटोसिंथेसिस की रेट देखें तो यहाँ पर ड्रामेटिकली डिक्रीज होती है, तो इसको बोलेंगे कि रेड लाइट के बाद इन फार रेड एरिया में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होता है और इनको बोलेंगे हम रेड ड्रॉप इफेक्ट। ये एमर्सन ने बताया सबसे पहले कि फार रेड रीजन में क्वांटम यील्ड या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में ड्रामेटिकली डिक्रीज होता है। इसके बाद हम देखेंगे एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस
एनहांस व्हेन रेड लाइट एंड फार रेड लाइट आर गिविन टुगेदर इज नोन एज एनहांसमेंट इफेक्ट. एनहांसमेंट इफेक्ट सो दैट देर आर टू फोटोकेमिकल कॉम्प्लेक्स नाउ दिस इज नोन एज फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड पी एस सेकेंड. एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट के आधार पर बताया कि फोटोसिस्टम दो अलग अलग टाइप के हैं, उनको पी एस फर्स्ट एंड पी एस सेकेंड का नाम दिया. अब देखते हैं कि ये एनहांसमेंट इफेक्ट है क्या. सबसे पहले अगर देखें कि रेड लाइट 680 में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मान लो ये 20 है, कुछ भी मान लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इतना है. और फार रेड अलग अलग हमने लिया, रेड लाइट लिया फार रेड लिया, ये मानो 10 है. और दोनों लाइट को हमने एक साथ लिया तो टोटल 30 आने चाहिए थे, लेकिन दोनों को हम साथ लेते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों के योग से भी ज़्यादा होता है. तो इसलिए इसको बताया कि एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, दोनों के योग से भी ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ तो इसको बोलेंगे एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट. और इसी आधार पर बताया कि अकेला जो फार रेड एरिया है, जो रेड लाइट के जस्ट बाद है, वो फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी में इतना एफिशिएंट नहीं होता. तभी तो अगर सिंगल फार रेड लाइट लें तो फार रेड इफेक्ट, रेड लाइट के जस्ट बाद फार रेड एरिया में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है. और अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट लें फार रेड की तो उनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है. और रेड लाइट और फार रेड लाइट दोनों को साथ में लेके अगर फोटोसिंथेसिस हो तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों के योग से ज़्यादा होती है. इसको बोलते हैं एमर्सन, इसको बोलते हैं एमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट और इसको बोलते हैं एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट. थैंक यू.